सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया, डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम बोल्ट के ऑडियो फ्री पोर्ट्स प्रो, उनका चार्जिंग टाइम एंड बैटरी लाइफ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा लाइक कितना टाइम यहाँ पे लगता है इन TWS को चार्ज करने में, एंड आप कितना बैटरी लाइफ इन बोल्ट के जो TWS है फ्री पोर्ट्स प्रो उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने इनको परचेज किया था 1300 रुपये में। अगर आप बॉक्स पे MRP देखेंगे तो वो करीबन 6000 रुपये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। ओके, एंड ऑन पेपर काफ़ी कुछ इन्होंने बताया हुआ है, लाइक नॉइस कैंसिलेशन आपको मिल जाती है, सिंगल चार्ज में 8 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलता है, एंड जो केस है वो ईयरबड्स को 3 बार तक चार्ज कर सकता है। तो टोटल आप 32 आवर्स का बैटरी बैकअप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो रिव्यू था लाइक अनबॉक्सिंग था, उसमें मैंने बताया था कि हम लेटर ऑन पार्ट में देखेंगे एंड जानेंगे कि क्या एक्चुअल में हमें इतना बैटरी बैकअप मिलता है या नहीं। ओके, तो अगर आपने वो जाके वो वीडियो नहीं देखे, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर, लिस्ट में आपको मिल जाएगी। एंड जो चार्जिंग टाइम है यहाँ पे 2 घंटे कंपनी ने बोला है, तो कितना एक्यूरेट डेटा आपको मिलता है या क्या आपको जो फीचर्स हैं वो इसमें मिलते हैं, तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JSTech, एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम काफ़ी जो लेटेस्ट TWS हैं उनकी वीडियो ला के देते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं TWS की वीडियो में, आप आके ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमें टाइप सी चार्जिंग मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट है आपका। ओके, एंड अगर आप इसको चार्जिंग में लगाएंगे देन एक रेड लाइट आपको दिखेगी, विच मीन चार्जिंग हो रही है, एंड चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद अब लाइट आपकी बंद हो जाती है, ग्रीन लाइट कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो बात कर लेते हैं पहले चार्जिंग टाइम की गाइज। तो जो बोट ने बताया है आपको, एक 5 वोट का चार्जर यूज़ करने के लिए इन्होंने बोला है। 5 वोट 1 एम्पियर चार्जर यहाँ पे ये रिकमेंड करते हैं, इनकी जो बुकलेट है वहाँ से मैंने कहीं पढ़ा था। ओके, तो एक 5 वोट का चार्जर हो जाता है, एंड अगर एक 5 वोट के चार्जर से आप चार्ज करेंगे इनको, तो डेफिनेटली काफ़ी टाइम लगने वाला है, एंड जो चार्जिंग है वो भी काफ़ी स्लो होगी। वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक कम वोट के चार्जर से चार्ज कर दें, देन चार्जिंग आपकी स्लो होगी। बट अगर आप एक 10, 15, 20 या 25 और 30 वोट का अगर चार्जर यूज़ करते हैं, देन चार्जिंग फास्ट होगी, बट आपको फिर भी लाइक करीबन 2 घंटा आपका लगाना पड़ेगा इनको चार्ज करने में। 1 घंटा 45 मिनट में मेरे 25 वोट के चार्जर के साथ चार्ज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर एक कम वोट के चार्जर आप यूज़ करते हैं तो ढाई से तीन घंटा भी लग सकता है इनको चार्ज करने में। बात कर लेते हैं ईयरबड्स को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है। तो ईयरबड्स को चार्ज करने में करीबन आपका 1.5 घंटा लग जाता है 0 to 100%। एंड जो दूसरे ईयरबड्स होते हैं उनमें काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम TWS को चार्ज करते टाइम बड्स को केस में रख सकते हैं या नहीं। तो वो टोटली आपके ऊपर है, आप इसको केस में रखना चाहिए, केस से बाहर रखना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपका केस चार्ज है तो वो बड्स को ऑटोमेटिकली चार्ज कर देगा, वहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टोटल 3 बार ये चार्ज कर सकता है 0 to 100%। अगर आप 50-50 करके करते हैं तो 5-6 बार ये इनको चार्ज कर देगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की गाइस। तो बैटरी लाइफ बोल्ट ने बोला आपको 8 घंटा मिलता है, बट क्या वो रियलिटी है? नहीं गाइस, 8 घंटा नहीं मिलता। मैंने इनको यूज़ किया करीबन 2 से 3 दिन हो चुके हैं मेरे पास ये आए हुए, एंड मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ, तो जो बैटरी लाइफ मुझे अब तक मिली है वो एवरेज मैं बता रहा हूँ 5.5 घंटे के अराउंड मेरे को बैटरी लाइफ मिल जाती है, जब मैं वॉल्यूम अराउंड 70% पे रखता हूँ तो। ओके, तो आप देख सकते हैं आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, अगर 5.5 घंटा सिंगल चार्ज में आपको सफिशिएंट लगता है, 5.5 घंटे का मतलब टोटल आपको 17 घंटे के अराउंड बैटरी लाइफ ये दे देगा। एक बार चार्ज करेंगे तो 3 दिन आपके आराम से निकल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन आपका यूजेज पे। ओके, तो काफ़ी ठीक मुझे बैटरी लाइफ मिली 1300 रुपये उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो बैटरी लाइफ वाइज मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था
कि जो एक्चुअल डेटा है एंड जो आप यूज़ करने के बाद आपको पता चलता है, रियलाइज़ होता है, उसमें हमेशा डिफरेंस रहता है। तो वो आपको आइडियल कंडीशन देंगे, वॉल्यूम इतने रखिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ये यूज़ मत कीजिए। तो एक एवरेज पर्सन गाइस हर एप्लीकेशन यूज़ करता है, वो कॉलिंग भी करेगा, गेमिंग भी करेगा, एंड इस टाइप के जो फीचर्स या एप्लीकेशन होते हैं उसमें बैटरी आपकी ड्रेन होती है, फ़ोन की भी ज़्यादा ड्रेन होगी एंड आपके TWS की भी ज़्यादा ड्रेन होती है। तो इस टाइप से यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आती है एंड जो एक्चुअल डेटा है एंड जो ऑन पेपर डेटा वो मिसमैच हो जाता है। बट स्टिल एक गुड डील है गाइस, 1300 रुपये में आपको ठीक ठाक बैटरी लाइफ, चार्जिंग टाइम मिल जाता है। साउंड क्वालिटी भी ठीक है। मुझे अब तक इनमें जो इशू लगा है वो पहला कॉल क्वालिटी, माइक्रोफोन इतना अच्छा नहीं है। सेकंड थिंग मुझे क्या इनकी पसंद नहीं आई है वो कनेक्टिविटी टाइम गाइस, अगर आप इनको ओपन करेंगे ऐसे रखेंगे तो कम से कम 5 से 7 सेकंड ये लेता है आपके डिवाइस के साथ पेयर होने में। एंड ये इसके साथ नहीं, ये जो भी बजट TWS है सबके साथ प्रॉब्लम है। मेरे पास अभी 5 से 6 TWS बजट वाले पड़े हुए हैं एंड सबके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। तो लेटर ऑन हम बात करेंगे दूसरे TWS की, लेकिन अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय गाइस।